हाँ जी जी असी इस वक्त जी जिहड़ी नदी है नाला बही है जिहदा मैं तस्करा कर रहा वहाँ कि पंज नाले दा असी उस बही दे विच आ गए हाँ और इस वेले उस जगह दे उत्ते आ गए हाँ जिथे कि किरत की गई और अपने हाथ दे नाल हलवाही की गई। इस जगह दे उत्ते इस वेले हड़ आया होया है और हड़ दी वजह नाल वो जमीन सारी जिहड़ी है वो अंडर द वाटर है। असी इस वेले किश्ती च बैठ के बेड़ी च बैठ के तुहानू उस जगह दा नज़ारा करा रहे हैं कि जिथे बाबा गुरु नानक साहिब दे जिहड़े पावन पवित्र चरण ने उस धरती नू जिहड़े छूए ने ये वो जगह है। इत्थों तुसी नज़ारा कर सकते हो दरबार साहिब करतारपुर दा बिल्कुल सेम व्यूज़ ने जिहड़े कि तुसी डेरा बाबा गुरु नानक तो देख सकते हो। बिल्कुल सेम व्यू जिहड़े ने उत्थों नज़र आते ने वो मैं टैलीस्कोप दे जरिए या वड्डे कैमरियां दे जरिए जिहड़ा वो दर्शन दे दारे जिहड़े ने ईस्ट पंजाब दी संगत नू जिहड़े करवाए जांदे ने बिल्कुल सेम है व्यू तुहानू जिहड़े ने उस जगह दे बिल्कुल असी एंगल दे उत्ते पहुँच गए हाँ। जी ए लागे लागे दी जिहड़ी जिन्नी जमीन तुसी देख रहे हो ये सारी दी सारी जिहड़ी जमीन है गुरद्वारा साहिब दे नाम ते वे और अज भी गुरु घर दे अंदर जिहड़ा लंगर पकदा है तीन टाइम उहदे विच अगर तुसी देखो तो दुनिया दे विच तुहानू बहुत घट मिसाल मिलेगी कि अगर कोई सेवादार है तो वह मुस्लिम है, अगर कोई लंगरी है तो वह हिंदू है और अगर ज्ञानी जी ने या दूसरे ने तो वह सिख ने। इस वास्ते इस घर दे विच तुहानू सारियां वो मिसाल मिलणगियां जिहड़ियां बाबा गुरु नानक साहिब ने अपनी हयाती दे विच अपनी जिंदगी दे विच जो एक चीज़ इकट्ठा करन दी इंसानियत नू कोशिश कीती सी वो अज भी तुहानू इस गुरु घर दे अंदर जिहड़ी है वो देखण नू मिलदी है। फिर अगर असी दो तीन चीज़ां होर पॉइंट नोट करिए कि आखिर वो की वजह सी कि बाबा गुरु नानक साहिब इत्थे ही आके ऐसे ही जगह दे उत्ते आके ज्योति जोत समाए। आखिर उन्होंने चार उदासियां कटियां हिंद सिंध फिरे हो वो मैं कहंगा कि वो इराक तक गए, बगदाद तक गए, मक्का गए, मदीना गए, अफगानिस्तान दे रस्ते डेरा जात तो हुंदे हुए जदों पोठोहार रीजन तो हुंदे हुए इस धरती ते आए ते ऐ अस्थान उन्होंने इन्ना पसंद आया और वो इन्होंने इत्थे ही अपना डेरा लाया और उस तो बाद अगे किते नहीं गए। तो ए जगह जिहड़ी है तमाम दुनिया की जिहड़ी संगत है उन्हां वास्ते बहुत पवित्र स्थान है। तो मैं कहंगा कि मैं खुशनसीब हाँ कि मैं खुद भी इस जगह के दर्शन कर रहा वहाँ और तुसी देख रहे हो रेडियो 87.8 इको एक न्यूजीलैंड का पंजाबी रेडियो। और यह सारा मंजर जड़ा नज़र आ रहा तुहानू ये बरसाती नाला जड़ा बही है उहदा और बही का पानी कित्थों आता कश्मीर तो आता जम्मू एंड कश्मीर दी पहाड़ियाँ तो आता और इस तरह करके ए नाला अखीर जाके रावी दे विच डिग पैंदा। यह हफासती बन और यह पानी का बन बनाया गया कि जदों भी पानी जदों इंडियन साइड दे उत्तों ओवरफ्लो करता तो उस वेले वो पानी जिहड़ा वो इस नाले दे विच भी आंदा है और नाले च भी छड़ दिता जांदा पानी जिहदी वजह नाल यह बन भी मारिया गया ताकि गुरद्वारा साहिब दरबार साहिब करतारपुर वाल पानी ना जावे और पानी उस पासे मार ना करे। इस वास्ते उच्चा बन जिहड़ा वो बनाया गया है।